व्हाट इज़ अप यूट्यूब, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक। तो आज हम टेक्नो गेमर्स का, आपने जैसा हमारा इंट्रो सुना ही लिया होगा जिसमें हमने टेक्नो गेमर्स का इंट्रो बोला था, तो आज हम उनके कैसल जैसा जो ऑटोमेटिक ट्रिपवायर स्ट्रिंग का डोर था वो आज हम बनाने में सीखने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले हम स्टिकी पिस्टन लेते हैं, उसको इस साइड पर प्लेस करके ऐसे उस पर 3 ब्लॉक्स लगा देना है। बाद में आपको ग्लास लेना है और ग्लास के ऊपर ऐसे 3 ब्लॉक्स प्लेस कर देने हैं। तो और इसके बाद यहाँ पर 2 ब्लॉक्स छोड़ के आपको और ग्लासेस लगाने हैं और इसके साइड, मतलब इसके ऐसे पैरेलल टू आपको ये ब्लॉक्स लगा देने हैं स्टिकी पिस्टन के। ओके, देन आपको जो भी ब्लॉक यूज़ करना है, स्टोन यूज़ करना है, कॉन्क्रीट यूज़ करना है या फिर आपको डर्ट यूज़ करनी है, जो भी आपको चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने ऐसे कर दिया, तो आपका अभी आपको सिंपली एक आपको डस्ट लगेगी जिसको आपको ऐसे प्लेस करना है और सेम आपको उस साइड पर भी ये करना है। अभी हमने तो ये तो कर लिया और अभी आपको यहाँ पर 1 ब्लॉक डिक करना है, मतलब 2 ब्लॉक डिक करना है और यहाँ पर 1 ब्लॉक डिक करके यहाँ पर भी एक। ओके, देन तो आपको यहाँ पर एक रेडस्टोन टॉर्च लगेगी, यहाँ पर एक रेडस्टोन डस्ट लग जाएगी हमारी। ओके, देन ये रेडस्टोन डस्ट लग गई हमारी, यहाँ पर भी आपको सेम थिंग रिपीट करनी है, तो वो हम कर लेते हैं जल्द से जल्द। तो ये हो गया, आपको फिर से यहाँ पर एक रेडस्टोन टॉर्च लगेगी, फिर यहाँ पर आपको एक सिंपली रेडस्टोन प्लेस कर देना है और बाद में आपको इन को कवर भी कर देना है। ओके, तो सिंपली हमने ये कवर कर लिया है, यहाँ पर भी वैसा ही कर लेते हैं। ओके, देन और अभी आपको ज़रूरत लगेगी ट्रिप वायर और स्ट्रिंग की। ओके, तो आपको एक ट्रिप वायर हुक यहाँ पर लगा देना है ऐसे लाइक दिस और इसको भी ऐसे यहाँ पर लगा देना है। तो ये जो स्ट्रिंग है तो हमें वो पहले एरिया क्लियर करना है और बाद में आपको एक स्ट्रिंग यहाँ पर ऐसे रख देनी है, प्लेस करनी है, जो कि बहुत थिन लगती है और वो किसी को दूर से दिखती नहीं है और कोई अगर जल्दी में होगा तो वो कर लेता है। अगर आपकी ऐसी स्ट्रिंग दोनों साइड से जुड़ गई होगी तो ये देखिए यहाँ से ये ओपन हो गया। ओके, सो दिस साइड वी हैव डन और अभी हमें सेम फ्रॉम दिस साइड करना है। ये हमारी रेडस्टोन तो वहाँ पर लगी हुई है और यहाँ पर हमें रेडस्टोन डस्ट एज यूजुअल प्लेस कर देनी है। बाद में यहाँ पर भी एक ब्लॉक डिक करके उसके बाद में यहाँ पर आपको डस्ट प्लेस कर देनी है और बाद में इसको कवर भी कर सकते हैं आप जितना आपको चाहिए। तो सिंपली हमारा ये हो गया। तो अभी आपको मैंने बताया था कि ट्रिप वायर हुक से हमें कैसे करना है, तो हम फिर से वो स्टेप कॉपी कर देते हैं। तो ये एक स्ट्रिंग देखो लग गई थी नीचे पर, हम किसी को पता नहीं चला होगा और ये हो गया। ओके, देन तो अभी हमें ये तो वर्क करेगा ही करेगा, तो अभी थोड़ी देर में देखते हैं कि ये वर्क करेगा या नहीं। तब तक मैं इनको कवर कर लेता हूँ, तब तक आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। सो गाइज, मुझे जैसे आता था मैंने वैसे कवर कर लिया है। वैसे तो इस साइड से मैंने रहने दिया है, जो हमारी फ्रंट साइड है, जो हमने पकड़ ली है फ्रंट साइड, उससे तो मैंने पूरा ही कवर कर लिया है। ये देखो बारिश भी आ गई। तो ये देखिए यहाँ पर आपको लगेगा कि सिंपली कुछ तो स्टिकी पिस्टन का किया हुआ है। यहाँ पर जाओगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा, जैसे आपका पैर इस स्ट्रिंग पर पड़ता है ये डोर ओपन हो जाता है और जैसे हट जाता है ये डोर बंद हो जाता है। तो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, मुझे पता है मैं ऐसे कैसे लीव कर दूंगा, आपको इस विलेज की सीट तो चाहिए होगी, तो मैं वो आपको अभी साइड में दिख ही रही होगी। ओके, तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।